हेलो एवरीवन, मैं हूँ जीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आपने मेहंदी लगाने के बाद अपने बालों की केयर करनी है, जिससे कि आपके हेयर की लेंथ इंक्रीज हो और आपके बालों का कलर भी अच्छा आए और आपके बालों में से 2-3 मंथ तक आराम से मेहंदी का कलर भी ना जाए। अक्सर ये कमेंट आते हैं कि दी, हम जब भी मेहंदी या कोई कलर लगाते हैं हेयर्स पर तो हमारा कलर्स या मेहंदी 10 से 15 दिन के बीच ही सारी निकल जाती है। अगर आप इस तरह इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका कलर मेहंदी का इतनी जल्दी नहीं जाएगा और कलर भी अच्छा आएगा। आपने सबसे पहले अपने हेयर वॉश कर लेने हैं मेहंदी लगाने के बाद नॉर्मल वाटर से, शैम्पू कंडीशनर नहीं यूज़ करना है। उसके बाद किसी बाउल में हल्का ऑयल गर्म करें। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, आंवला ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो या फिर आलमंड ऑयल हो, आपको 7 से 8 चम्मच लेकर उसे किसी बाउल में हल्का गर्म कर लेना है और किसी कॉटन बॉल की मदद से अपने हेयर वॉश करने के बाद इस तरह अपने सारे हेयर्स पर ऑयल अप्लाई कर लेना है सेक्शन वाइज। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके हेयर्स की रूट से लेकर हेयर्स की एंड तक अच्छी तरह से पूरे बालों में ऑयल लगना चाहिए, कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए। आप मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ पाए। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करना, नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस करना। जब हेयर्स की रूट्स पर अच्छे से ऑयल लग जाए तो आपको ऐसे अपनी हथेली पर ऑयल लगाकर अपने हेयर्स की एंड पे भी बिल्कुल अच्छे से ऑयल लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हेयर्स की रूट्स पर ऑयल लगा लेते हैं बट अपने पूरे हेयर्स पर ऑयल अप्लाई नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है जिसके कारण आपकी मेहंदी का कलर जल्दी निकल जाता है। आप इस तरह पूरे बालों पर ऑयल लगाकर हल्के हाथों से 5 से 6 मिनट तक मसाज करें। अगर आप ये वीडियो भी देखना चाहते हो कि मैंने किस तरह मेहंदी का घोल तैयार किया था और किस तरह से मैंने अपने हेयर्स पर मेहंदी अप्लाई की थी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप नीचे चेक कर सकते हो और उसी तरह से अपने बालों में मेहंदी अप्लाई कर सकते हो। आपको इस तरह से अपने बालों पर ऑयल लगा कर अच्छे से 5 से 6 मिनट तक मसाज कर लेनी है। उसके बाद आपको एक बन बना लेना है और 4 से 5 घंटे तक अपने हेयर्स को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है। आप एक बात का और ध्यान रखें कि आपको कभी भी मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैम, हम मेहंदी लगाने से पहले शैम्पू यूज़ करें या मेहंदी लगाने के बाद? तो आपको मेहंदी लगाने से पहले शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है, मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल वाटर से अपने हेयर वॉश करने हैं और इस तरह हेयर ऑयलिंग कर लेनी है और 4 से 5 घंटे अपने बालों को इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद अपने हेयर शैम्पू और कंडीशनर से वॉश करने हैं। अगर आप ब्यूटी टिप्स और मेकअप के बारे में रिटन पोस्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी इनकरेजमेंट मिलती है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।